दिखाना। 120 आया था। देखो इन 120 आया था और आप समझते शुगर नहीं है। अब हमने एच बी ए वन सी कराया, दिखाओ 6.5 आया। अब माइंड में पूरा ये है कि शुगर तब नहीं थी, अब हो गई। ऐसा नहीं हो सकता, हो भी सकता है क्योंकि अगर आप बैक एक करके रेस्ट ज़्यादा कर रहे हो थोड़ा सा, हाँ ये भी हो सकता है, रेस्ट ज़्यादा किया इसलिए बढ़ गई। अब तो यही होता है, जब भी हम रेस्ट करते हैं एक बीमारी ठीक नहीं होती दूसरी बीमारी शुरू हो जाती है। कभी भी रेस्ट करे कोई तो फिर बिल्कुल हल्का खाए, घी चीनी नमक में कोई ताकत नहीं है, कोई स्वाद नहीं है, ये हमने बनाया हुआ है माइंड में। माइंड में जो भी डाल देते हैं वो बस जाता है बिल्कुल, उसको सैलेड सब्जी ऐसी चीज़। अच्छा अब दर्द भी कितना ठीक है, पहले से ठीक है। हाँ खड़े होके दिखाओ, उस दिन तो परसों खड़े नहीं हो पा रहे थे, है ना। अब तो हाँ पकड़ पकड़ के लाई थी, विटामिन डी लग गया ना, उसी से 99% फायदा तो उसका ही है। एक महीने से दवाइयाँ तो चल ही रही थी ना आपकी, कैल्शियम भी विटामिन डी भी चल रही थी ना। नहीं विटामिन डी नहीं चल रही थी। नहीं गोली होगी ना बीच में विटामिन डी की, तो हर हड्डियों वाले देते हैं। दिखा रही हूँ, नहीं विटामिन डी हड्डियों में दी नहीं दी थी, उन्होंने न्यूरोबिन दी थी और एक दी थी ये दी थी, वो ये रात को चल रही है। हफ्ते खाने वाला पाउच नहीं दिया था? नहीं खाने वाली गोली ये आजकल ये चल रही है। विटामिन डी से ही ठीक हुई ना। ये एक चीज छोटी सी बताना चाह रही हूँ कि सबको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। उस दिन कैसे लाए थे पकड़ पकड़ के, मैम ये बैठ नहीं पा रही, बैठेंगी नहीं ये, खड़े खड़े देख लो इनको, बैठो अब तो अच्छी तरह बैठ सकते हैं। और दो तीन दिन की बात है, शुगर निकली है बॉर्डर लाइन, अभी दवाई वाली बात नहीं है जो है। हाँ हो सकता है रेस्ट की वजह से हो गया। आप चलोगे फिर, चल के दिखाना जरा मुझे ये ब्रेकफास्ट। 6.5 आई जरूर है, लेकिन हमें ये भी पता है हमने रेस्ट ज़्यादा किया। थायराइड भी बॉर्डर लाइन है, अगर शुगर ठीक होगी वो भी शायद ठीक हो जाए, ठीक है। दोबारा कराना है और एंटी वो फ्लफी आंखें रह रही थी ना, ऐसे सुबह जो उठती थी तो बीच में 3-4 दिन तो ऐसे हो कि बड़ी भारी भारी आंखें ऐसे ऐसे खोलते थे, सूजन आ जाती है। हाँ यहाँ पर तो ठीक है ना, तो आज तो ठीक है, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी जा रहा है। तो जब नमक ज़्यादा खाते हैं तो हो जाता है, वो पानी फ्लूइड बॉडी में रिटेन होता है। अच्छा, कि नमक ज्यादा खा लिया, ज्यादा ये दिक्कत थी कि ये क्यों हो रहा है, इसका पता नहीं चल रहा है, इसका पता होना चाहिए। नमक छोड़ो, जब भी दिक्कत हो ठीक है अपना डायग्नोसिस बना के जाओ डॉक्टर के पास। पहले तो घी चीनी नमक छोड़ दो और थायराइड शुगर एचबी विटामिन डी टेस्ट करा लो। ठीक है ना। हाँ। जितना कुछ इससे ठीक हो सकता है कि हम एक्सेस कुछ खा रहे थे और एचबी A1C, ठीक है ये चार टेस्ट कराओ। मेरा तो खुद हैरान हूँ, मुझे नहीं पता था कि सोसाइटी इतनी चेंज हो गई है। ये बीमारियाँ नहीं, ये सब सेल्फ क्रिएटेड बीमारियाँ हैं। जब भी CBC कराओ, थायराइड कराओ। अभी कल बताया मैंने तो आपकी वीडियो देख देख के, मेरी प्रेगनेंसी हो गई। अब तो 3 मंथ्स पे आके सबके अल्ट्रासाउंड में कुछ होता है तब मुझे पता चलता है इनकी अपने आप हो गई मेरी वीडियो देख के। कोई तो डिलीवरी के बाद थैंक्स कॉल करता है। अच्छा 3 मंथ्स पे जब एंटी स्कैन में कुछ बताते हैं फिर वो कॉल करते हैं कि प्रेगनेंसी तो मेरी हो गई वीडियो देख के। मैंने क्या कूलिंग खा ली, मैंने विटामिन डी लगवा लिया, हस्बैंड के लगवा लिया, ये स्मोकिंग छुड़ा दी और 3 महीने वाला शुगर अभी भी नहीं पता चलता, अभी भी 130 आई है बीपी, पता नहीं चलता। इसमें यह कि हम जब ठीक आ जाती है खाते तो उसके बाद है सिम्टम, तो तब टेस्ट से पहले जो कम खा रहे होते हैं वो भी ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं कि मेरे इनका ठीक ही है। हाँ ठीक है सब कुछ, चलो आज ठीक ही था, लेकिन ये टेंडेंसी है। जरूरी नहीं है कि सबका ज्यादा खाने से शुगर ज्यादा आएगा, कुछ लोगों के फैट बनता जाएगा, शुगर नहीं आएगा। अच्छा। इंसुलिन अगर उनके अंदर बहुत है तो वो, इसलिए हमें टेस्ट कराना है। ये ऑनलाइन व्यूअर्स को बता रही हूँ, जब मैं बताने लगती हूँ अच्छा तो सोचती हूँ ये तो। हाँ और ऑयल चीनी नमक कम खाना है, ठीक है। ये 3 चीज़ें शुशु से जो बीमारी हो रही होंगी वो ठीक हो जाएंगी। हाँ। और अगर ये अंदरूनी बीमारियाँ हैं तो पता चल जाएंगी विटामिन डी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, इतनी खुशी हो जाती है जल्दी से वीडियो बनाऊं।